वेलकम बैक टू सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपका जो वेडिंग जो आप लोग काम करते हैं, जो वेडिंग एल्बम बनाते हैं, उस एल्बम बनाने के बाद जो पार्टी को आप एल्बम देते हैं उसके साथ आप लोग एक गिफ्ट भी किया कीजिए। गिफ्ट हमेशा दिया कीजिए तो पार्टी हमेशा खुश रहेगा और हमेशा आप लोगों को काम देता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गिफ्ट क्या होगा? सिंपल सा गिफ्ट आप दे सकते हैं, जैसे एक कैलेंडर हो गया। अगर आप परचेस करने जाएंगे तो इसका प्राइस क्या होगा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर, ये जो साइट है मैंने खोल लिया है। इस साइट का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे मोजो सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे कैलेंडर लिखा हुआ है, तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं 29.95 US डॉलर। ठीक है, तो इसका मतलब है 29 हम लोग अगर डॉलर हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में तो इसका क्या दाम होता है देख लीजिए, लगभग 2061 रुपया इसका दाम है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्लिक करके दिखा देते हैं। इसका इंटरफेस देख सकते हैं, इसका इंटरफेस इस तरह से आएगा। आप यहाँ से ढेर सारा चेंजेस कर सकते हैं, इसे देख के आप घबराइए मत, ये बहुत ही ईजी है। आप लोगों को चला के भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, इसका थीम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर का थीम भी आप रख सकते हैं। बहुत सारा फीचर्स है इसमें, ठीक है, और इसमें इतना साल है, मतलब अभी तो चल रहा है 2019, तो इसमें लगभग जितना साल है उतना दिन तक मैं जिंदा रहूंगा नहीं, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, मेरा चैनल में आप लोग आ जाइए, आके यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो टैब में जाएंगे, ये जो वीडियो लिखा है इस टैब में क्लिक करेंगे तो इसमें ढेर सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी आपको मन चाहे आप देख सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेट कनेक्शन है आपको पहले ये नेट कनेक्शन को ऑफ करना है। ठीक है, तो नेट कनेक्शन पहले आपको ऑफ करना है, डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया, होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखिए एंटीवायरस शो कर रहा है, जो भी आपका एंटीवायरस है पहले आप उसको एग्जिट कर लीजिए या फिर आप डिसेबल कर लीजिए। और ये रहा देखिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाला है। तो पहले आपको क्या करना होगा, ये विनरार फाइल में आता है, तो विनरार एप्लीकेशन आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पुराना वर्जन विनरार जो सॉफ्टवेयर है वो अगर पुराना वर्जन रहेगा तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का टाइम आपको डैमेज फाइल दिखा सकता है। ठीक है, तो इसका जो विनरार का जो सॉफ्टवेयर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से पहले इंस्टॉल कर लीजिए। 64 बिट वर्जन भी है, 32 बिट वर्जन भी है, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर अनरार करना है। तो अनरार आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे अनरार करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आ गया मेरा सॉफ्टवेयर, इसको ओपन कर लीजिए और इसको सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो फाइल है, इसका सीरियल नंबर है और यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप इसको सीरियल नंबर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है ये सभी चीज आपको इस्तेमाल करना है। पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, उसके बाद इसको राइट क्लिक दबा के आपको रन एडमिनिस्टर क्लिक करना है। रन एडमिनिस्टर क्लिक कर लीजिए, तो ये आपका देखिए यहाँ पे काम हो रहा है। ओके कर लीजिए, ओके करने के बाद आई एक्सेप्ट इसको क्लिक कर लीजिए, करने के बाद इसको नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर से आप नेक्स्ट कर लीजिए, इसको जो जहाँ पे सेव होना चाहता है उसे वहीं पे सेव होने दीजिए और यहाँ पे ब्राउज मत कीजिए वैसे। ठीक है, ये ज़्यादा भारी सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही कम सॉफ्टवेयर, ये देखिए यहाँ पे 43 MB का है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कर लीजिए, फिर से नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे को, हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्रिएट ए क्विक लॉन्च आइकॉन ये नहीं चाहिए, तो इसको क्लिक बंद कर देते हैं, सिर्फ डेस्कटॉप में आएगा वही काफ़ी है, फिर से हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये हम लोगों का कंप्लीट काम हो चुका है। तो इसमें आपको पहला एपिसोड में हम लोग जो देखे थे इसको टिक मार्क अनरार कर अनटिक कर देना है, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको अनटिक करने का।
ये जैसा है वैसा ही रखने दीजिए, इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं है, इसमें सिंपली आपका जो सीरियल नंबर है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको फिनिश में क्लिक कर दीजिए, ये सिंपली ऑटोमेटिकली आपका ओपन होके आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपन होने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा, और सिंपली आपको यहाँ पे देखिए बाय नाउ लिखा है और रजिस्टर बोल के लिखा है, तो सिंपली आपको रजिस्टर में क्लिक करना है और ये जो फिल करना, यहाँ पे देखिए जो मैंने फाइल दिया था इस फाइल को, ये जो जो फाइल यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जो नेम लिखा है उसी को आपको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर से आप यहाँ से जाके लास्ट नेम कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का सब पेस्ट हो चुका है, जितना भी यहाँ पे फाइल था मैंने ये सभी चीज़ पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो इसका आप कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। और सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओके में क्लिक कर देना है, ठीक है। जब भी आप ओके में क्लिक करेंगे तो इसका देखिए जो रजिस्टर करने के लिए बोल रहा था वो टैप हट जाएगा, ओके फ्रेंड्स। और ये जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली जो चेक फॉर अपडेट है इसको आप सिंपली अनटिक कर दें तो आपके लिए बेहतर है। और सिंपली आपको क्या करना है, ओपन टेम्पलेट में क्लिक करना है। जब भी आप ओपन टेम्पलेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ईयर वाइज आ जाएगा, मतलब एक पेज के अंदर जो कैलेंडर बनता है, जो एक पेज के अंदर जो 12 साल रहता है वो सारे चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और मंथली यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक एक मंथ करके आप कर सकते हैं, 6 मंथ का आ जाएगा, मतलब 6 महीना करके एक एक जो कैलेंडर है वो बन सकेगा, 3 मंथ का आ जाएगा, मतलब 3 महीना करके आपको 4 पेज बनाना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे मंथली वाला ले लेता हूँ, 1 महीने वाला। मैं सिंपली यहाँ पे ये वाला क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के साथ साथ देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ये वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे चीज़ जैसा है वैसा ही रखिए, सिंपली ईआर को आप चेंज कर दीजिए। तो मैं जो बता रहा था आपको, इसमें ईआर देखिए कितना ईआर है, ठीक है, 2119 ईआर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी है, उसके बाद दूसरा नया भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा लेटेस्ट वर्जन, तो ये फिलहाल ये बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2020 का जो कैलेंडर है हम लोग बनाएंगे, तो 19 तो ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए 2020 का कैलेंडर हम लोग सीखेंगे। तो 2020 इसमें क्लिक कर लिए, तो जनवरी जैसा है वैसा ही रखने दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे मंथली वाइज कैलेंडर बनाना है हम लोगों को। और यहाँ पे फर्स्ट डे आपको क्या होगा, आप संडे से शुरू करना चाहते हैं डे, या फिर आप मंडे से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मंडे, ठीक है, जो रहता है सही, ठीक है। और सिंपली इसको अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए 2020 यहाँ पे आ गया, जनवरी है, और यहाँ पे मंथली मंथ यहाँ पे मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो सेटिंग है, इसमें आपका देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग है, प्रोजेक्ट सेटिंग में यहाँ पे जाके आप इसका साइज दे सकते हैं, ये A4 साइज है, मतलब 8 इंची बाई 12 इंची का जो पेज है उसमें आएगा। अगर आप कोई भी साइज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, A3 कर देंगे तो 12 इंची बाई 18 इंची का हो जाएगा। आप वॉलपेपर साइज का भी कर सकते हैं, जो भी साइज आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल A4 ही रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए ये जो फोटो है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिखा है, ठीक है, बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारा बैकग्राउंड आ जाएगा। ये जो पीछे का जो सफ़ेद जो पेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप कोई भी बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ, क्लिक करके आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये फिलहाल प्लेन ही ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो जो लिखा है ये दिखाई नहीं देगा। तो सिंपली आप यहाँ पे ब्लू वाला कलर दे दीजिए, देखिए यहाँ पे सभी चीज़ दिखाई दे रहा है, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, और ये जो दिखाई नहीं दे रहा इसके लिए हम लोग काम करेंगे, आगे देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो में क्लिक कीजिए, फोटो को आपको कैसे रिप्लेस करना है, फोटो में क्लिक करके आप रिप्लेस करेंगे इस तरह से। जैसे आपको यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो कहाँ पे आपका फोटो है वो फोल्डर खुल जाएगा, या फिर आप डिफॉल्ट जो इसके अंदर जो फोटो है वही आपको दिखाएगा यहाँ पे सैंपल इमेज हिसाब से, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप में थोड़ा सा फोटो रखा हूँ यहाँ पे वेडिंग वाला,
तो उसमें जाके मैं एक फोटो दे देता हूँ। ये सिंपली यहाँ पे मैं एक ये वाला वेडिंग फोटो दे देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन में भी आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के साथ साथ आपका यहाँ पे सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है। अगर बाई चांस आपको लगता है जो ये कट रहा है, जो कहीं से आपको साइज ठीक करना है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉप का बटन है, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको साइज में ठीक से रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे सारे चीज़ ठीक ही है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इस साइड में ले लेता हूँ और इसको सिंपली ओके कर देता हूँ। देखिए ठीक से एकदम सेट हो चुका है। ठीक है, तो और इसके ऊपर आप मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे देखिए मास्क है। फोटो को क्लिक करके आप कोई भी मास्क आप अप्लाई करेंगे तो उस तरह से आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाला देखिए अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जो भी आप डिज़ाइन आप सिलेक्ट कीजिए उस तरह से आपका डिज़ाइन दे देगा। इसको डबल क्लिक कीजिए या फिर इसको डबल क्लिक कर लीजिए, देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन दे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये वाला नहीं रख रहा हूँ, ये प्लेन ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारा और भी है, आप चाहे देख के देख लीजिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, वही चीज़ आप दे दीजिए। फिलहाल ये वाला रख रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो फोटो है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से आप एक तो विंडो खुल जाएगा, आप जहाँ पे आपका फोल्डर है आप खोल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे वेडिंग इमेज कोई भी एक दे देता हूँ, एक ये वाला दे देता हूँ, हाथ वाला दे देता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं, कोई भी इमेज आप डाल सकते हैं। और इसका जो कलर है, ये देखिए फॉन्ट है 2020 जो फॉन्ट है, इसको कलर हमको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो जनवरी है, जनवरी का कलर मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। और इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा लाइट पिंक कर देता हूँ, लाइट जो रेड है वो कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग को आपको सेफ, ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसमें देखिए मैच हो रहा है, तो इसको क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे व्हाइट कलर दे दीजिए, तो देखिए ये बेहतरीन तरीके से आपका दिखाई देने लगा है। इस तरह से आप लोगों को कैलेंडर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव एज नहीं करेंगे। ठीक है, सेव एज करेंगे तो ये टेम्पलेट आपका सेव हो जाएगा, बाद में आप जब ओपन कीजिएगा तब ये टेम्पलेट फिर से दोबारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सेव करने के लिए एक्सपोर्ट इमेज में जाएंगे, 300 DPI जो है इसको क्लिक कर लेंगे। ये प्रिंटेबल के लिए अच्छा है 300 DPI। ठीक है, करने के बाद सिंपली आपको पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ January 2020। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिकली जल्दी सेव हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, तो मैं इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे है ना बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे, यूज़ करोगे तभी आपको पता लगेगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैंने इस सॉफ्टवेयर से ढेर सारा कैलेंडर बनाया था, अभी भी बना रहा हूँ, बना के लोगों को गिफ्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए ढेर सारा मैंने यहाँ पर देखिए बना के रखा है पहले से, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कैसा लगा इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट अगर नहीं करेंगे तो मुझे हौसला नहीं मिलता है कि आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।